वेलकम टू अकाउंटेंट बेसिक स्किल चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अकाउंटेंट को क्या क्या बेसिक स्किल होना चाहिए। मैंने ये यूट्यूब के अराउंड 17 लेक्चर्स आपको ये समर में शो कर रहा हूँ। ये बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स, उसमें मैंने ये पॉइंट जो डाउन किए हैं। तो पहला मेरा जो लेक्चर है, यूट्यूब लेक्चर नंबर 1, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉर एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों, वर्ल्ड में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो सब में क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफरेंट है क्या? आंसर इज नो। आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट परफेक्ट अंडरस्टैंड करना है। और एक ध्यान रखिए, जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं ना, सबका है ना एक स्टैंडर्ड रहता है। तो 3 स्टैंडर्ड मिनिमम रहते हैं। 1 है, फर्स्ट है मास्टर सेटअप, दूसरा है ट्रांजैक्शन सेटअप, और तीसरा है रिपोर्ट सेटअप। तो वो जब भी लेक्चर होगा यूट्यूब का लेक्चर नंबर 1, तभी मैं कवर करूँगा। सेकेंड है कि बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, जब भी कभी अकाउंटिंग एंट्रीज बुक करते हैं तो अपने को मालूम होना चाहिए कि क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और उस बेस से अकाउंटिंग एंट्री आपको अकाउंट्स में बुक करना है। अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हर एक कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। ये इंटरनेशनल बेस्ड कॉन्सेप्ट पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है, तो अपने को उसका बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए। तीसरा है बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स एंड स्टैट्यूटरी रिटर्न्स रिलेटेड टू अकाउंट्स। दोस्तों, आप ध्यान देखेंगे ना कि 1 अप्रैल से ही आपका इनकम टैक्स का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है या प्रोफेशनल को पेमेंट करना है, तो आप TDS डिडक्ट करते हो और मंथ एंड में TDS का अमाउंट भी निकालते हो, और 7 तारीख तक वो TDS पे करते हो। क्वार्टरली TDS रिटर्न सबमिट करते हो, और जो आपने TDS डिडक्ट किया है कॉन्ट्रैक्टर का, प्रोफेशनल का, उसका फॉर्म नंबर 16A इशू करते हो। इन द केस ऑफ सैलरी होल्डर, आप फॉर्म 16 इशू करते हो, और उनके जो बेसिक डिडक्शन है, एग्जाम्पशंस है, वो आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट, चौथा लेक्चर है बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट्स स्टैट्यूटरी रिटर्न्स रिलेटेड टू अकाउंट्स। अब दोस्तों, देखेंगे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो शेड्यूल 3 में है वो अपने को अंडरस्टैंड करना है। उसमें जो अकाउंटिंग हेड स्पेसिफाई किए, उनके कैसे डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए, वो अपने को अंडरस्टैंड करना है, और जो ROC के रिटर्न है रिलेटेड टू अकाउंट्स, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट है बेसिक नॉलेज ऑफ GST एंड इट्स स्टैट्यूटरी रिटर्न। दोस्तों, GST में बहुत सारे अमेंडमेंट अपडेट्स आ रहे हैं और स्टैट्यूटरी रिटर्न्स में भी आ रहे हैं, तो अपने को वो जो अमेंडमेंट आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं, वो अपने को अंडरस्टैंड करने हैं, और उस बेस पे अपने को वो रिटर्न सबमिट करना है, और GST कंसल्टेंट के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट एज पर स्टैट्यूटरी एक्ट्स। अगर इन द केस ऑफ कंपनी तो स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट अगर टर्नओवर एक्सीड हुआ तो, और GST ऑडिट अगर टर्नओवर एक्सीड हुआ तो सब में ना सब स्टैट्यूटरी ऑडिटर या एनी ऑडिटर, उनकी एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट रहती है। ओके, तो वो अपने को स्टैंडर्ड चेकलिस्ट पे जो रिक्वायरमेंट्स है ऑडिटर को, वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और ये इन एडवांस स्टैट्यूटरी ऑडिटर या एनी ऑडिटर अपने को प्रोवाइड करता है, उस बेस पे रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, और उनको उनकी कोई क्वेरीज है तो अपने को फुलफिल करना। नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा यूट्यूब नंबर 7 का, हाउ टू डू कोऑर्डिनेशन विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर, टैक्स और एनी ऑडिटर। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे ना कि कम्युनिकेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर से कैसे करना है, उनके क्वेरीज कैसे रिजॉल्व करने हैं, अगर क्वेरीज में कोई इशू आया तो सीनियर से डिस्कस करना है। ओके, उसके बाद ही आप ऑडिटर को कम्युनिकेशन कर सकते हैं प्रॉपरली, और रिकॉर्ड के जब भी आप उनको डिटेल्स प्रोवाइड कर देते, तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए वो मैं आपको ये लेक्चर में बताऊँ। नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा यूट्यूब लेक्चर नंबर 8, हाउ टू अपडेट और अमेंडमेंट इन स्टैट्यूटरी लॉज। दोस्तों, आप देखेंगे बहुत सारे अपडेट्स अमेंडमेंट आ रहे हैं, तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप एक प्रोफेशनल ग्रुप से ना आप व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ, और टैक्स गुरु की जो वेबसाइट है उसमें आप वीकली विजिट कीजिए, जो अमेंडमेंट अपडेट्स हैं वहाँ पे रेगुलरली मिलते हैं, तो अपने को वो नोट डाउन करना है, और अपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप जिस कंपनी में काम करते
उधर वो अप्लाई करने हैं। यूट्यूब लेक्चर नंबर 9 है, बेसिक नॉलेज फॉर हैंडलिंग वर्क ऑफ बैंक फाइनेंस डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, फाइनेंस इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर एनी बिजनेस। अगर आपका फाइनेंस में जो बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रोवाइड करना है, जनरली लास्ट 3 ईयर्स इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट्स, और अगर डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी दी है तो वो उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट वो प्रोवाइड करने हैं, और उसके साथ आपको बोर्ड रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या बोर्ड रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यूट्यूब का लेक्चर होगा बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों, आपका कम्युनिकेशन जो लेटर फॉर्मेट में होगा तो आपको छोटी छोटी चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ पे बोल्ड करना है, कहाँ पे अंडरलाइन करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो अपने को परफेक्टली अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर नंबर 11 होगा बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल ओवर इंडिया वो एक्सेल फॉर्मेट में ही बनाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन टेक्निक्स बहुत सारे अवेलेबल है जिसमें आप बैलेंस शीट आप बना सकते हैं। तो अपने को वो बेसिक नॉलेज लेना है एक्सेल का, प्लस जो कमांड्स है या जो फंक्शंस है वो अपने को एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर 12 नंबर है प्रेजेंटेशन टेक्निक्स फॉर MIS। दोस्तों, विद इन 7 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मंथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरा मंथली PNL कितना है, मेरे बैलेंस शीट्स में क्या क्या अवेलेबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आइटम्स है, मेरे टर्म लोन्स के ड्यू डेट्स क्या है, मेरे डेटर्स कितने रिसीवेबल है, मुझे क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, मुझे गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट लेना है। तो ये MIS में प्रेजेंट करते हैं। जब मेरा यूट्यूब लेक्चर 12th होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या जनरली मिनिमम रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट लेक्चर है यूट्यूब लेक्चर नंबर 13 फाइलिंग टेक्निक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सॉफ्ट कॉपीज ऑन सर्वर। दोस्तों, जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने को खुद बॉक्स फाइल में फाइल करना है, किसी के हाथ में प्यून के देना नहीं है। ओके, ध्यान रहे, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और या जो अपने ऑफिस बॉय होते हैं उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मालूम पड़ता है, तो उससे अच्छा बेटर खुद फाइल करो। जो जब भी कभी ऑडिटर ऑडिट करने गए तो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपीज मतलब आपने अगर वो डॉक्यूमेंट स्कैन किया तो सर्वर में कहाँ पे सेव करना है और फाइल नेम क्या देना है, उसके भी एक स्टैंडर्ड टेक्निक्स है, वो मैं मेरा आपको शेयर करूँगा, सो दैट आप परफेक्टली वो अप्लाई करेंगे ना तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे और फ्यूचर लॉन्ग टर्म भी सेफ होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर यूट्यूब का होगा मेरा जो 14 हाउ टू लर्न मैनेजमेंट स्किल। दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो मैनेजमेंट के स्किल के जो टेक्निक है, डेलीगेशन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स है, तो वो अपने को अंडरस्टैंड करने हैं। नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर नंबर होगा हाउ टू हैंडल सबॉर्डिनेट फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क। दोस्तों, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ रिस्पेक्ट से आपको बात करना पड़ेगा, उन और फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स उनसे लेना है, उनके क्वेरीज अंडरस्टैंड करने, और जो भी रिक्वायरमेंट है उनको टाइमली कम्युनिकेट करना है, तो सो दैट दे विल डू प्रॉपर प्लानिंग। उनको डायरेक्टली आप उनको इमीडिएटली ऐसा मत बताए कि मुझे कल से कल ये काम करके दो, ऐसा नहीं, आपको उनको सफिशेंट टाइम देना पड़ेगा, और उनके उनसे कोई उनका कोई क्वेरी होगा तो वो आपको रिजॉल्व करना होगा। नेक्स्ट मेरा यूट्यूब का लेक्चर होगा 16 व्हाट आर द स्किल रिक्वायर फॉर हैंडलिंग गवर्नमेंट एजेंसी वर्क। दोस्तों, आप देखेंगे कि जब भी कभी फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स असेसमेंट वर्क है और आप आईटी ऑफिसर को जाके मिल मतलब आप आईटी ऑफिस में गए हैं तो वहाँ पे ना ध्यान देखें, गवर्नमेंट एजेंसी में हमेशा जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो उस टाइम अपने को अपना जो जो वॉइस है ना हमेशा कंट्रोल रखना है, और जो भी कोई उनके जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो नोट डाउन करने हैं। ओके, अपने को वहाँ पे भड़कना नहीं है, उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, तो ध्यान रखें गवर्नमेंट एजेंसी से कभी आर्गुमेंट नहीं करना है, अपने को अपना रिक्वायरमेंट लिख के रखना है।
नेक्स्ट मेरा लास्ट यूट्यूब का लेक्चर होगा एनी अदर अकाउंटेंट्स रिलेटेड स्किल। ये लेक्चर मैंने ओपन रखा है, अगर आप यूज़र से मेरे को सजेशन आते हैं कि सर ये लेक्चर 17 में आप कवर करो, ये हमें बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो लेक्चर इस 17 में मैं कवर करने वाला हूँ। ओके तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आई होप दैट कि ये जो 17 कंटेंट्स है आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको लगता है कि भाई यू आर सेटिस्फाइड विद द अबव कंटेंट्स, देन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।